पंजाब सरकार की ओर से मेहताब सिंह की रिपोर्ट के अंतर्गत रद्द किए जा रहे केसों को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है, जहां अकाली दल के सीनियर नेता व स्पोक्स पर्सन महेश इंद्र सिंह ग्रेवाल इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल पहले दिन ही जस्टिस मेहताब सिंह कमीशन मूलो रद्द करता। अकाली दल इस दृढ़ विश्वास का है कि यह कमीशन राजनीतिक सोच नाल राजनीतिक लाहा लैण लई ते राजनीतिक रिपोर्ट लैण लई बनाया गया, जिन्हों अकाली दल ने मुढ़ो रद्द कर दिता। दूसरी गल, एक चैनल पर अज जज साहब ने अपनी बाइट दिती है, जिहड़ी बाइट मैं सुनी है, उस बाइट में जज साहब ने कहा कि कुछ झूठे केसा विच अज तक अदालतां मुलजमान नूं सज़ा भी कर चुकियां ने। जज साहब मानयोग हाईकोर्ट के जज रहे ने, कि जज साहब चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट नूं उह जजां दे खिलाफ़ कोई कार्रवाई करन लई लिखणगे जिन्होंने झूठे केसां दी सज़ा की? कोई ज़्यादतियां हुई ने उन्हां दे कहण मुताबक? तो सरकार लई सब तो वाजिब इह सीगा कि डी जी पी साहब नूं कहिंदे कि एक वधिया अफसरां दी सिट बनाओ, उन्हां नूं कहिंदे कि इन्हां केसां ते तुसीं रिपोर्ट दिओ ते विद इन थ्री मंथ्स दिओ। जिहड़ा 307 दा केस, 326 दा केस, 353 दा केस सिमरजीत सिंह बैंस दे पिछली कांग्रेस सरकार वेले होया, वह भी गलत है, जिदे विच तहसीलदार कुटिया गया, जिदे विच चार्जेज भी फ्रेम हो गए, फिर अदालत ने गलत करते, हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग स्टे करना ना करती। सो मैं समझते बिल्कुल पोलीटिकल गल की जाती है। देखो, आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस की सांझ है। वहीं लोक इंसाफ पार्टी प्रधान व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस इसे पंजाब के लोगों के हित में बता रहे हैं और इस कमीशन को पंजाब की जरूरत भी बता रहे हैं। सुखबीर बादल ते उस वेले दे मुख्यमंत्री साहब वालों मेरे ते तकरीबन 8-9 FIR दर्ज झूठियां कीतियां गईयां ते मैं उन्हां दी एक कंप्लेंट जिहड़ी सी इनक्वायरी कमीशन जस्टिस मेहताब सिंह जी गिल होरां दे कोले मैं पिछे जाके आया, मेरी तरीक सी ते मैं सारा वृतांत दस के सच्चाई दस के। सो साडी डिमांड है कि एक कमीशन पंजाब दे अंदर परमानेंट चाहिए ता जो किसे नूं पुलिस तंत्र लुटन लगे ना लोगों ते लोग जाणगे कित्थे। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਹੀ ਦੂਸਰੀ ਔਰ स्कूलों के मर्ज करने को लेकर भी अकाली दल इसे तानाशाही फरमान बता रहा है और इसके खिलाफ जल्द मोर्चा खोलने की बात कर रहा है। जे पिंडां विच ए स्कूल बंद किए जाएंगे, एडे छोटे बच्चियां नू विद्या तो सखड़ा रखा जाऊगा, जिहड़ा स्टेट लई ते नेशन लई ते नैशनल लॉ जिहड़ा राइट टू एजुकेशन आ उहदियां तजियां उड़नगियां। ये गुनाह नू लोक माफ नहीं करनगे। देखो, एजुकेशन नूं कमाउण दा ज़रिया नहीं कदे गिणिया जा सकदा। एजुकेशन ते पैसे लाए जांदे ने। श्रोमणी अकाली दल दी सरकार वेले से आदर्श स्कूल भी खोले, मैरिटोरियस स्कूल भी खोले, जे इन्हां नूं कमाउण दा साधन गिणिए तां फिर तां स्कूल चल ही नहीं सकदे। ये फैसले नाल घट्टो घट्ट 20 तों 25 हज़ार बच्चा वेला हो जूगा ते 1500 दे नेड़े अध्यापक वेले हो जाणगे। लुधियाना से जागृति लहर के लिए बलराज खन्ना की रिपोर्ट।